दिल के यार सुबह से तैयार हो रहे थे, जल्दी करो यार फटाफट यार, दिमाग की यार दही कर रखी बिल्कुल यार। दोस्तों आज है भैया दूज और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों भैया दूज सेलिब्रेट करने दिल्ली और मिसेज राजपूत को लेके दोस्तों, और मैं फंस चुका हूँ दोस्तों, मुझे छुट्टी करनी पड़ी आज काम की, तो चलते हैं दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए दिल्ली, क्योंकि वहाँ भी हो रहा होगा इंतज़ार वो भी दिल से ही, तो चलें तो चलें। अक्सर जब भी ससुराल की तरफ रुक करता हूँ दोस्तों, तो स्कूटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, टायर हो गया पंचर, टायर कराया ठीक, और जाम दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है, देखिए आईटीओ पे कितना जाम लगा है दोस्तों, और हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों और पहुँच गए हैं कनॉट प्लेस में दोस्तों सीपी में, और क्या नज़ारा है खूबसूरत वो भी दिल से। तो अभी हम हैं कनॉट प्लेस में और देखिए खूबसूरत नज़ारा, इंडिया का एम्स्टर्डम, वाओ क्या बात है, और सामने है फायर पान और ये पीवीआर प्लाजा, पेट्रोल डलवा लिया है दोस्तों, और मिसेज राजपूत आ रही हैं दिल से। बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने है दोस्तों मेरी माँ काली का मंदिर, और सीपी में आए गोल मार्केट के नजदीक, और काली माता के मंदिर ना आए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए काली माता के मंदिर के दोस्तों, और काली माँ आपको आशीर्वाद देगी वो भी दिल से। तो दोस्तों ये है हमारी वो जगह जहाँ पर हम हर संडे जाया करते थे, लेकिन अब हम दिल्ली NCR में हैं दोस्तों, नोएडा में हैं, तो रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब भी कभी दिल्ली आए और काली माता के मंदिर में ना आए और दर्शन ना करें दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ और आशीर्वाद लीजिए माँ काली का वो भी दिल से। तो यही है प्यार और यही है ज़िंदगी, कितना हसीन नज़ारा है दोस्तों माँ के दरबार का, और ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने ससुराल में, और सामने है दोस्तों मेरा भी घर, तो दोनों का घर वो भी दिल से। तो दोस्तों मिसेज राजपूत ने आज सुबह से सिर्फ चाय पी हुई है दोस्तों, खाना खाएंगी भाई का टीका करके। जी हाँ, और मेरी बचपन से आदत ऐसे ही है, तो पहले तो पीयर में रहती हैं लड़कियां घर में, तो जल्दी हो जाता, ये मेरी छोटी सिस्टर है और साथ में है भतीजी छोटी, और ये है सोनू छोटी सिस्टर मेरी, और भाई ये छोटा भाई है, ये टीका करा रहा है, कलावा बांध रही हूँ मैं इसके, जब तक मैं नहीं करती हूँ कुछ खाती नहीं हूँ, तो पास रहते थे तो बहुत आसान था, अभी हम आ गए नोएडा तो बहुत लेट हो जाते हैं, 4 बज गए हैं आते आते मुझे, और छोटा भाई भी हंस रहा है मजाक कर रहा, और गुस्सा भी कर रहा था कि खा ले कुछ खा ले कुछ खा ले, मैंने कहा नहीं इतने दिन से, अब ये छोटी भाभी है मेरी, इसको भी मैं कर रही हूँ टीका,
वो भी साले साहब आपके दिल्ली शहर में हम लोग आ चुके हैं, आज क्या बनवा के खिला रहे हो इनसे? तो बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू, वाह क्या बात है। फैसिलिटी है ममता, कई सालों से हमें खिला रही है बेसन के लड्डू, तो आज फिर से और दिल से, और देखते हैं इसकी रेसिपी कितनी डिलीशियस है। तो चले फिर किचन में। आप लोग भी हमारी तरह एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली में, नियर डे के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वो भी दिल से। सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और थक गए हम लोग बहुत ज्यादा पूरे दिन का सफर, और आ गए हैं शाम को 7 बजे के करीब अपने घर, और क्योंकि बच्चों को भी जाना है बाहर, और भी उन्होंने भी अपना कुछ भैया दोस्त का एंजॉयमेंट किया है, तो हम लोग इसलिए जल्दी जल्दी आए हैं, और अब खाना हम मम्मी के यहाँ से लेके आए हैं और खाते हैं। तो रोटी तो बनानी पड़ेगी ना आपको? मैं बना लूंगी, और मैंने खा लिया था वहीं पर, आलू और फली की सब्जी बनी थी और बहुत अच्छी बनाई थी, तो अच्छी लगी मुझे। और आपको कैसी लगी? मुझे, मैंने खाई कहाँ जो मुझे पता चलेगा? ये आलू फली की सब्जी, आलू फली आपने नहीं खाई? मैंने कहाँ खाई है? तो मैंने खाई थी, अच्छी लगी बहुत। और हमारे यहाँ आजकल सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं, तो अपनी पसंद की कुछ सब्जियाँ नहीं मिल रही, तो रास्ते में मैंने बाजार देखा अदरक, और मैंने यही कहा कि बहुत सारी अदरक लानी है, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, और आप लोगों में से जिस जिसको भी मेरी कहने से सहमति हो, क्योंकि अभी अदरक का मौसम शुरू हो गया, यानी कि चाय में अब डलने लगेगी अदरक, है ना, इलायची अदरक, वो भी खूब सारी। वो तो टायर वाले ने बोल दिया मेरे को। क्या बोला? कि भैया आप सर्दी सर्दी चला लो और इसको बदलवा लेना गर्मी में। हाँ, तो मौसम जैसे जैसे बदलता है, कई चीज़ों के मिजाज भी बदल जाते हैं। तो चूड़ी कैसी लग रही है मेरी, बताओ? चूड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, और आज ना मेरी चूड़ी का एक लेयर गिरने लगा था, यानी तो पुनीत ने जोड़ा था। हाँ, पुनीत ने जोड़ दिया उसको, बहुत कुछ काम। और आपका हेलमेट भी जोड़ा था ना? हेलमेट भी जोड़ दिया मेरा, वो भी लगाया, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो ये ऐसा ही त्यौहार है भाई बहन का, इसको लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं, यानी नहीं दिमाग पे ले लेते हैं। मैं भाई के घर गई तो मुझे क्या मिला, भाई के घर क्या लेके जाऊं, भाभी क्या बोलेगी, इतना मत सोचिए। छोटा सा जीवन है, और उसमें अपने भाइयों के लिए सिर्फ दिखाइए प्यार, और मेरा तो यही मानना है कि तो दोस्तों अभी हम लोग घर पर आए, इस त्यौहार में मत जोड़ दीजिए प्यार को, बहुत सारे प्यार को जोड़िए, और उसमें मत शामिल कीजिए लेन देन को, और तकरार को कहीं दूर रख के मनाइए। हैप्पी भैया दूज जी, और राखी हो भैया दूज हो, बहनों को जाना चाहिए भाइयों के घर,
बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। ने कौन सा गाना गाया था? मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, होना कमजोर। तो ऐसा उसने वो मेरे लिए गाता हमेशा गाना, और वो कैप्चर तो किया था हमने, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, क्लिप हमारी मिस हो गई है दोस्तों। तो उसको कल हम अपलोड करेंगे, उससे दोबारा मंगवाएंगे गाना और अपलोड करेंगे, और उसकी भी आवाज बड़ी अच्छी। तो दोस्तों आज के व्लॉग में दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों जी, वो भी दिल से भाइयों के लिए। तो दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भैया दूज की, और भैया दूज के दिन ही आज का व्लॉग अपलोड होगा दोस्तों जी, वो भी दिल से, क्योंकि दोस्तों नो चीटिंग, वो भी दिल से। जिस दिन त्योहार हो उसी दिन हम लोग अपलोड कर देते हैं, ऐसे ही है ना। व्यू की चिंता दोस्तों नहीं है हमें, आपके व्यू आए ना आए, लेकिन हम अपना मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं उसी दिन, उसी दिन, उसी दिन। जी हाँ, ये क्योंकि फिर बाद में ये रह जाता है कि कई लोगों को मैंने देखा है, करवा चौथ के व्लॉग आते हैं उनके होई पे, होई के व्लॉग आते हैं दिवाली पे या धनतेरस पे, और धनतेरस के व्लॉग आते हैं भैया दूज पे, भैया दूज के व्लॉग शायद क्रिसमस तक आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जिस दिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, नो चीटिंग। अगर आप व्लॉगर हैं तो डेली अपलोड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक दिन है ना, और एडिटिंग में कोई टाइम नहीं लगता दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो खर्च होता है दोस्तों, उसको खर्च कीजिए, वो भी दिल से। तो दोस्तों शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंजॉय दिल से।